सारण जिले के दो युवकों की खगड़िया में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक ट्रक ड्राइवर और खलासी हैं। खगड़िया के महेश खुट एनएच पर अपराधियों ने गोली मार दी। हत्या की खबर मिलते ही दोनों के परिवार में कोहराम मच गया। मृतक परसा थाना क्षेत्र के बभनव गांव निवासी राम बाबू सिंह और सोने लाल राय बताए गए हैं। जानकारी के अनुसार ट्रक चालक राम बाबू ट्रक पर बरौनी से बॉयलर का चूर्ण लोड कर जयनगर की ओर जा रहा था, तभी खगड़िया जिले के समीपवर्ती महेश खूंट के समीप अपराधियों ने गले में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना का कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। स्थानीय पुलिस शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी। बताते चले कि मृतक सोनेलाल राय का छोटा भाई सोनू कुमार राय भी ट्रक चालक था, जिसकी 8 महीने पहले मुजफ्फरपुर मैथी टोल प्लाजा के पास सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी। घटना हम लोग को गुरुवार को जानकारी हुआ, ठीक है, 11 बजे रात में। शुक्रवार को हम लोग सुबह निकले घर से, सुबह निकले तो वहाँ जाम होकर ताजपुर में ज़्यादा जाम था, वहाँ जाने के क्रम में लेट हो गया तो हम लोग वहाँ लगभग 12 बजे के आसपास पहुँचे। वहाँ घटना पर देखे कि हाईवे पर गाड़ी था, जो गाड़ी चलाता था दोनों, और मृतक वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर के आगे चौड़ा है, जहाँ की एक भी घर नहीं है। वहाँ पहले फतेहपुर सिक्टी के लक्ष्मण राय के लड़का को गोली मारा है और उसके बाद राम बाबू को गोली मारा है। दोनों के लाश के दूरी लगभग 500 से 700 मीटर है। वहाँ के स्थानीय ग्रामीण से आपको बात हुई होगी, क्या बताया? बात हुआ, स्थानीय ग्रामीण कोई नहीं कहा कि हम लोग नहीं देखे। हम लोग सुबह घूमने गए तब देखे कि हाँ दुगो लाश पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ जाने का क्रम है कि कोई साजिश के तरह ले गया होगा, चाहे कोई जबरदस्ती गाड़ी से उठा कर लेकर चला गया होगा, इसलिए कि वहाँ गाड़ी से या उस लाश की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है पैदल आराम से। उधर कोई एक भी घर